हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। मैं ना बैक टू द न्यू वीडियो। और गाइज, ये वाली जो वीडियोस मैं आपको टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में बताऊंगा, तो गाइज देखिए, ये है हमारा नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है ना। डिबुक करते हैं, वो छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पहले, तो ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी उस टेक्स्ट में लिखा हुआ क्या है। ठीक है, ठीक है, तो रन करते हैं। ठीक है, तो गाइज देखिए, हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। अब गाइज, इस टेक्स्ट को गाइज हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को जो है हम डेकोरेट करेंगे, ठीक है। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं उन लोगों से कुछ बात करना चाहूंगा जो मुझे पूछते रहते हैं कि हम कौन सी होस्टिंग प्रोवाइडर जो है यूज करें, कौन सी होस्टिंग प्रोवाइडर पे जो है हम हमारा वेबसाइट जो है होस्ट करें। और इसके अलावा कुछ जो पुरानी वेबसाइट जिन लोगों ने बना रखी है वो परेशान हो चुके हैं अपनी होस्टिंग सर्विसेज से, क्योंकि उनकी जो है सर्विस से वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो मैं उनको यही बोलूंगा कि आप जो है डोमेन रेसर पे जो है स्विच कर लीजिए, यहाँ पे अपनी साइट जो है माइग्रेट कर लीजिए। और उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जो नई वेबसाइट बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो वो भी गाइस जो है डोमेन रेसर पे आ जाइए। रिसेंट टाइम में जो है मैंने इसको यूज किया है और गाइस ये जो है बहुत अच्छी है। इसमें कुछ मेन रीजन है, पहली बात तो ये जो है गाइस SSD है, तो इसकी वजह से जो है आपको काफी अच्छी जो है स्पीड मिलेगी। इसके अलावा गाइस इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी जो है आपको बेस्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर गाइस और भी काफी सारे आपको जो है फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आपको नॉर्मली वेब होस्टिंग में नहीं मिलेंगे। इसमें जैसे आपको सी पैनल मिल जाएगा जिसको आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा फ्री के अंदर। और भी इसके अंदर गाइस आपको अदर टूल्स मिलते हैं, जैसे आपको SEO का टूल मिल जाता है और भी काफी सारे टूल मिल जाते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं वेबसाइट होस्ट करने में। गाइस ये काफी इजी टू यूज है, आपको जो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तब भी जो है आपको इजिली होस्ट कर पाओगे। तो गाइस, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है इजी सा है। तो गाइस, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है किस तरीके से जो आपको करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहले तो गाइस, टेक्स्ट डेकोरेशन का जो होता है लाइन होती है, ठीक है, कि किस लाइन में आपको करना है। जैसे एक होती है अवर लाइन, एक होती है अंडरलाइन। अवर लाइन का मतलब होता है लाइन के ऊपर से, अंडरलाइन का मतलब होता है गाइस नीचे लाइन, ठीक है। इसके बाद में इंडेंट। तो गाइस देखिए, अवर लाइन पहले हम करते हैं, ठीक है, रन करते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए, देखिए ये ऊपर आ रही है लाइन, ठीक है। तो लाइन के ऊपर जो है अंडरलाइन लाइन के नीचे आएगी, ठीक है, इस तरीके से गाइस। और जब और मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, जैसे लाइन पे हम क्लिक किए, इसके बाद में गाइस देखिए, जैसे है कि KLC इनहेरिटेंट इन, जैसे मान लीजिए हम ये करते हैं, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है। ये जो भी ये डबल कोट्स में खुलता है गाइस, ये एक टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शंस को जो इग्नोर करते हैं अभी के लिए हम, क्योंकि अभी जो है हम यूज नहीं कर रहे JavaScript का, ठीक है। जैसे इनिशियल है और इनहेरिट, जैसे इनिशियल में करता हूँ, ठीक है, तो फिर रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अब गाइस अंडरलाइन अगर मैं करूँगा तो अंडरलाइन में गाइस ये जो है अंडरलाइन आ जाएगी, अनसेट में जो है अनसेट आ जाएगी। इस कलर भी जो है हम किसको देना है, ठीक है, काफ़ी सारी में ऐसा है कि वो कलर पे काम करेगा, ठीक है। तो गाइस इसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब गाइस इसको हम कलर दे देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन कलर गाइस आएगा, ठीक है, ये टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल को हटाता हूँ और यहाँ पे जो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, ठीक है। तो कलर गाइस दे दिया है। कलर गाइस हम देंगे, जैसे मान लीजिए हम देंगे ये लो ग्रीन, ठीक है। अब गाइस रन करते हैं, इंस्टा डूबुक करते हैं। तो गाइस देखिए, ये वाली जो है आ चुका है, ठीक है। गाइस हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट जो है कुछ बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, और हम ऐसा करते हैं हेडिंग टैग लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक जो है गाइस हम क्लास ले लेते हैं, ठीक है, जैसे आई का नाम का है ना। तो गाइस हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, जो भी ड्यू टैग के अंदर है इसको जो है बहुत छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इतना ही जो है हम इसको कर लेते हैं, सिर्फ ऊपर की एक लाइन जो है दिखे, और इसको जो है यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। 50 पिक्सल का हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब गाइस रन करते हैं। ये देखिए गाइस, ठीक है, तो इस तरीके से ये आउटलाइन जो है हमको नजर आ रही है, ठीक है। अब गाइस तो इस पे एक चीज़ हो रही है, इसकी स्टाइल भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो टेक डेकोरेशन जो स्टाइल भी होती है, ठीक है, तो स्टाइल भी आई है। और यहाँ पे लिखिए डैश डॉटेड डबल नन सॉलिड, जैसे वेवी देनी है मुझे। तो गाइस देखिए, अब देखिए कितना मजा आएगा, अभी जो है वेवी स्टाइल में हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जो रिफ्रेश करते हैं, ये गाइस देखिए वेवी स्टाइल में हो चुकी है। तो जैसे अलग अलग टाइप की काफी सारी स्टाइल्स, उनको जो है आप एक्सप्लोर, जैसे सॉलिड चाहिए तो फिर गाइस आप सॉलिड दे सकते हो जो कि एक नॉर्मल टाइप की होती है, ठीक है। डबल चाहिए तो गाइस डबल लाइन से आप आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, तो रन करते हैं। गाइस देखिए डबल लाइंस आ चुकी है। आप डॉटेड भी दे सकते हो इसको, ठीक है। तो गाइस डॉटेड जो हम करते हैं, गाइस ये इजी, आप खुद एक्सप्लोर कीजिए बाकी चीजें, ठीक है। ये देखिए गाइस, अब गाइस एक और तरीका है, आप वैसे भी दे सकते हो पूरा टेक्स्ट डेकोरेशन। आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको लिखनी है कि आपको जो है सबसे पहले जो है आपको लाइन अंडरलाइन लिखना है, ठीक है, कि आपको जो है किस टाइप से लेना है। तो आपको लिखना है अंडरलाइन या आउटलाइन लेना है, अंडरलाइन लेना है। उसके बाद में गाइस जो है इसकी आपको कलर लिखना है, ठीक है। कलर जो है गाइज हम देते हैं इसको अभी के लिए रेड, ठीक है। एंड गाइज उसके बाद में जो है आपको लिखना है
इसको गाइस एक बार के लिए हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ से तो जो है हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में गाइस आपको रेड कलर लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब गाइस आपको क्या लिखना है, अब गाइस आपको यहाँ पे लिखना है जो हमारी स्टाइल थी कि तो वो थी हमारी वेवे, ठीक है। तो गाइस अब रन करके अब चेक करते हैं और गाइस देखिए ये सब जो है एक ही बार में साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है गाइस आप जो है टेक्स्ट डेकोरेशन का जो यूज कर सकते हैं एचटीएमएल में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे लाइक का बटन है, उस पर जो है आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे नीचे कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है, वहां पे आप कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो है आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है मैं बता दूंगा कि जो है आप इसको कैसे कर सकते हो, एक्चुअली मैंने किस चीज के बारे में बताया है। उसके अलावा गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप रेगुलरली जो है हमारी वीडियोस की अपडेट चाहते हैं तो गाइस यहाँ पे सब्सक्राइबर का बटन है, रेड बटन है गाइस, और इसको जो रेड बटन को जो है आपको ग्रे कर देना है सब्सक्राइब करके। तो इसके अलावा गाइस अगर आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन चाहिए हमारी वीडियो की तो जब आप सब्सक्राइबर के बटन पे क्लिक करोगे वहां पे एक बेल आइकन भी आएगा, उस बेल आइकन पे भी जो है आप क्लिक कर दीजिए तो जब भी हमारे चैनल की वीडियो आएगी आपको इंस्टेंटली जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye bye for now.